इलस्ट्रेशन 11 देखिए, ये फिक्स कॉस्ट रुपीज़ 4000, वेरिएबल कॉस्ट 32000, ब्रेक इवन पॉइंट 20000। तो आपको पीवी रेशियो, सेल्स, नेट प्रॉफिट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है। सेकंड पार्ट में कह रहे हैं कि फिक्स कॉस्ट अगर 24000 है, मार्जिन सेफ्टी 40000 है, ब्रेक इवन पॉइंट 80000 है, तो भी आपको सेल्स प्रॉफिट, वॉल्यूम रेशियो, नेट प्रॉफिट और वेरिएबल कॉस्ट निकालना है। तो यहाँ पर हमें पीवी रेशियो सबसे पहले निकालना है। ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। अब हमें पीवी रेशियो निकालना है तो हमारा फॉर्मूला, इन्हीं तीन फॉर्मूलों में को हम जो है यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो फिगर है और एक फिगर नहीं है। तो पीवी रेशियो निकालने के लिए इसी फॉर्मूले को हम कैसे कर सकते हैं, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय ब्रेक इवन पॉइंट, जो कि 4000 को 20000 से हम डिवाइड करेंगे, इंटू में 100 करेंगे, तो पीवी रेशियो हमारे पास 20% आ जाएगा, जिसको हम ज़्यादातर परसेंट में ही निकालते हैं। अब अगर हमारे पास सेल निकालनी है तो पीवी रेशियो अगर 20% है तो वेरिएबल कॉस्ट हमारा क्या रहेगा, 80%, और वेरिएबल कॉस्ट हमें गिवन है। तो हम देख सकते हैं कि अगर 80% वेरिएबल कॉस्ट है तो टोटल सेल 100 होगी, और अगर 32000 हमारी वेरिएबल कॉस्ट है तो जो टोटल कॉस्ट होगी वो 40000 होगी। नेट प्रॉफिट अगर निकालना है, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सेल में से हम ब्रेक इवन सेल माइनस कर देंगे तो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40 - 20 = 20। सेकेंड पॉइंट में हमें सेल निकालनी है तो वहाँ पर हमें ब्रेक इवन सेल गिवन थी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी गिवन थी, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास सेल आ जाएगा, क्योंकि हम सेल में से ब्रेक इवन माइनस करके मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालते थे। अब सेल निकालने हैं तो ब्रेक इवन सेल में हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो ऐड कर देंगे। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो हम ऊपर वाला फॉर्मूला फिर से यूज़ कर सकते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय ब्रेक इवन सेल इंटू में 100, 24 डिवाइडेड बाय 80000 इंटू में 100, 30%। अब नेट प्रॉफिट अगर हमें कैलकुलेट करना है, देखिए नेट प्रॉफिट जो है हमारा कितना हो जाएगा, टोटल सेल का 30% अगर हम निकालेंगे तो कंट्रीब्यूशन 36 माइनस में हम फिक्स कॉस्ट कर देंगे, क्योंकि कंट्रीब्यूशन में फिक्स कॉस्ट भी ऐड होती है, तो उसको जब हम 24 को माइनस करेंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट होगा 12000। वेरिएबल कॉस्ट हम आसानी से निकाल सकते हैं सेल में से कंट्रीब्यूशन माइनस करके, 120 माइनस 36 84। अदरवाइज हम वेरिएबल कॉस्ट अगर ऐसे भी निकाल सकते थे कि पीवी रेशियो अगर हमारा 30% है तो वेरिएबल कॉस्ट हमारा 70% होगा, जो कि 120000 का सीधा सीधा 84% होता, और हम 120 में से 84 माइनस में 24 फिक्स कॉस्ट माइनस करके भी नेट प्रॉफिट 12000 जो है निकाल सकते थे। अल्टरनेटिवली आप निकाल के चेक कर सकते हैं कि आपका जो नेट प्रॉफिट है या वेरिएबल कॉस्ट है वो ठीक है कि नहीं है। नेक्स्ट हमारा है इलस्ट्रेशन नंबर 13। द टोटल कॉस्ट एंड प्रॉफिट ड्यूरिंग द टू पीरियड एज फॉलोज। टोटल कॉस्ट 450, सेकेंड पीरियड में है 650, प्रॉफिट है आपका 50 और सेकेंड पीरियड में है 1 लाख। तो यहाँ पर पीवी रेशियो, ब्रेक इवन सेल और सेल रिक्वायर्ड टू अर्न प्रॉफिट 1,25,000। प्रॉफिट आपको बताना है व्हेन सेल आर ₹3,50,000। तो यहाँ पर पीरियड 1 और 2 का टोटल कॉस्ट लिखा, टोटल प्रॉफिट लिखा। अब टोटल कॉस्ट में जब हम प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो हमारे पास सेल की फिगर आ जाएगी। अब पीवी रेशियो का एक फॉर्मूला हमारा ये रहता है, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल इनटू में 100। तो यहाँ पर चेंज इन प्रॉफिट कितना हुआ, 50 से 1 लाख पे प्रॉफिट पहुँचा था तो 50000। सेल जो हमारा 5 लाख से 750 पे पहुँचा है वो हमारा हो जाएगा 250 चेंज इन सेल, और पीवी रेशियो आया 20%। अब हमें फिक्स कॉस्ट अगर कैलकुलेट करनी है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू सेल इनटू में पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट। तो सेल हमारा फर्स्ट पीरियड का जो है 5 लाख है, और वहाँ पर हमने पीवी रेशियो 20% जो आया था माइनस किया हमने प्रॉफिट, तो हमारा जो फिक्स्ड कॉस्ट आया वो 50000 फर्स्ट पीरियड के लिए भी, और सेकंड पीरियड की जो हमने फिगर डाली तो भी 50000, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट के लिए हम ये कहते हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट में जो है चेंज नहीं होता है, आपके सेल्स की अमाउंट कम और ज़्यादा होने से वेरिएबल कॉस्ट उसके अकॉर्डिंग जो है चेंज होती है। ब्रेक इवन पॉइंट अगर हमें यहाँ पर निकालना है तो फिक्स कॉस्ट को हम पीवी रेशियो से डिवाइड कर देंगे, जो कि हमारा हो जाएगा ₹2,50,000। रिक्वायर्ड सेल अगर आपको निकालनी है तो उसके लिए फॉर्मूला रहता है फिक्स कॉस्ट प्लस में प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, और इसको करके हम निकालेंगे तो हमारा जो है रिक्वायर्ड सेल आ जाएगा, यानी कि अब टोटल जो है हमारा यहाँ पर 1,75,000 हो जाएगा, और उसको जो है हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। बुक में जो है नहीं निकाला हुआ है, आप इसको निकाल सकते हैं। अब देखिए ये जो फॉर्मूला है ना, ये वाला, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस फॉर्मूले में आप क्या क्या निकाल सकते हैं, सेल इसी फॉर्मूले से निकाली जा सकती है, फिक्स कॉस्ट इसी फॉर्मूले से निकाली जा सकती है, प्रॉफिट इसी से निकाला जा सकता है, अगर अभी अभी हम निकालेंगे पीवी रेशियो इससे निकाला जा सकता है। 4, 1, 2, 3, 4 चीज़ें इसमें यूज़ हो रही है, तो 4 में 3 अगर आपके पास होंगी वो निकल जाएगी।
जैसे यहाँ पर हमने इसी को यूज़ करके जो है क्या निकाला, फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा देखिए यहाँ पर, तो सेल इंटू में पीवी रेशो और माइनस में प्रॉफिट। अब यहाँ पर हम प्रॉफिट निकालेंगे, तो प्रॉफिट निकालने के लिए फिर से पीवी रेशो इंटू में सेल 350, अगर सेल है, ये कहते हैं कि आपको सेल गिवन है, आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, इंटू में पीवी रेशो, और जो ये फिक्स्ड कॉस्ट है क्योंकि हमें प्रॉफिट निकालना है, ये माइनस हम कर देंगे, तो हमारे पास जो प्रॉफिट होगा वो होगा 70 माइनस 50 20,000। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। कभी आपको देंगे कि रिक्वायर्ड सेल पे आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना, मीन्स आपको सेल की फिगर दे देंगे, वो आपसे प्रॉफिट पूछेंगे, कई बार आपको वो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस में प्रॉफिट दे देंगे, और आपसे सेल की रेशो जो है वो पीवी रेशो पूछ सकते हैं, या फिर रिक्वायर्ड सेल पूछ सकते हैं कि मान लो हम कहते हैं कि हमें 70,000 प्रॉफिट चाहिए, और फिक्स्ड कॉस्ट भी आपको गिवन होगा, पीवी रेशो भी आपको गिवन होगा, आपको सेल निकालने, जैसे यहाँ पर हमने जो है सेल निकाला था। तो ये फॉर्मूले जो है आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए।